हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा ओके जानू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, क्योंकि अब दो दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है, फ्राइडे सैटरडे का भी। और फ्राइडे का तो मैंने आपको बताया था 4.08 करोड़ इस फिल्म ने कमाए थे, 4 करोड़ का कलेक्शन था, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन 6 से 7 करोड़ का दिया था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि उससे कम होगा, बट उससे कम जरूर हुआ टोटल। और ऐसा उम्मीद थी कि शायद सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि सैटरडे संडे थोड़ा कलेक्शन बढ़ता है फर्स्ट वीक की अगर बात होती है तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है ओके जानू के साथ, क्योंकि सिर्फ इस फिल्म ने सैटरडे को जो कमाई की है यानी सेकेंड डे, वो की है 4.90 करोड़, यानी कि सिर्फ इसने 80 लाख और शायद ज्यादा जोड़ दिए है, उससे ज्यादा कुछ कलेक्शन नहीं किया है। उसके बाद जो टोटल हुआ है दो दिन का ओके जानू का, वो सिर्फ हुआ है आई थिंक 8.98 करोड़, यानी कि आप 9 करोड़ समझ के चलिए, पकड़ के चलिए, तो 9 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन नहीं हुआ है पहले दो दिनों में, जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट कहूंगा मैं ओके जानू के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसके लिए कि इसका कलेक्शन बहुत अच्छा होगा, और आई थिंक होता भी, क्योंकि कहीं ना कहीं फिलहाल ये सोलो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, अगर होती तो जरूर इसका कलेक्शन अच्छा होता। दंगल चौथे वीक में, लेकिन वो भी इसे टफ कंपटीशन दे रही है। और आपको पता है पहले दिन की जो अर्निंग आई थी दंगल की, मतलब ये फोर्थ फ्राइडे की, वो 1.94 करोड़ थी, और जो आपको मैंने बताया अभी जो ओके जानू की थी वो 4.08 करोड़। तो आप देख सकते हैं उसका कम से कम आधा दंगल अभी भी कमाई चौथे हफ्ते में, तो मुझे लग रहा है बाकी फिल्मों के कंपटीशन अगर आप ना करें, अगर ओके जानू और दंगल का ही कंपटीशन करें, तो दंगल कहीं ना कहीं चौथे वीक में भी भारी पड़ रही है और एक अच्छा खासा कलेक्शन ले जा रही, चुरा रही है बाकी फिल्मों से। हरामखोर भी रिलीज हुई है इस हफ्ते का, उसका कलेक्शन कुछ हाल ही में पता ही चला, लेकिन अच्छा खासा उसका प्रॉफिट होगा क्योंकि ऑलरेडी फिल्म बिक चुकी है हरामखोर। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऑलरेडी कहा है कि उनका अगर पहला टिकट भी बिका तो भी उनके लिए प्रॉफिट है, तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से कलेक्शन आएंगे हरामखोर का वो तो आपको जरूर बताऊंगा। बट फिलहाल अगर हम बात करते हैं ओके जानू की स्पेसिफिकली, तो इससे कलेक्शन कम आए हैं। 1400 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी फिल्म, यानी 1400 स्क्रीन्स काफी हो जाते हैं इंडिया में, और हिसाब से अगर कलेक्शन देखे जाए तो बहुत कम हो रहे हैं। और सैटरडे को एक और फिल्म रिलीज हुई है XXX द जेंडर केज, हॉलीवुड की फिल्म है जिसमें दीपिका पादुकोण का पहला डेब्यूट है, तो उस हिसाब से भी देखें तो बहुत ज्यादा क्लैशेस है, इश्यूज है इस हफ्ते, और तीन हफ्ते के बाद आखिरकार तीन फिल्में एक साथ रिलीज हुई, तो सीधी सी बात है लॉस तो होगा ही किसी हर एक फिल्मों को, और देखते किस तरह से कलेक्शन आता है ओके जानू को आने वाले दिन में। लेकिन ओवरऑल फिल्म का मिक्स रिस्पॉन्स रहा है, क्रिटिक्स ने मिक्स रिस्पॉन्स दे दिया है, ऑडियंस भी एक हद तक रिस्पॉन्स दे रही है, वो भी मिक्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोगों ने साउथ फिल्म देखी है ओके कनमनी, जो रिमेक जिसका रिमेक किया गया है हिंदी वर्जन में, उन लोगों को उतना खासा पसंद नहीं आई होगी, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं इस फिल्म को, यानी कि साउथ फिल्म नहीं देखे है और सीधा ओके जानू देखे, तो उनको ये फिल्म पसंद आएगी, जिसे मैं पहले ही कहा था जो फिल्म के बारे में मुझे पता चला था। तो ये फिल्म का कलेक्शन फिलहाल कम है, देखते किस तरह से आने वाले दिन में कलेक्शन आता है। संडे का कलेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, और जिस हिसाब से कलेक्शन आ रहा है ऐसा लग रहा है 5 से 6 करोड़ से ज्यादा संडे को भी नहीं कमाएगी, और ओवरऑल वैसे तो इसका बजट ज्यादा है नहीं, और उस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म एटलीस्ट अपना प्रॉफिट शायद निकाल लेगी ऐसा लग रहा है। तो कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें बची तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।